वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वंस अगेन विद न्यू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। आज आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देनी थी जो कि मतलब मैंने भी किया था, और मैं आप लोगों को भी उसकी एडवाइस दूंगा कि जो लोग अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं साइप्रस में कि यार स्टडी के साथ हम अर्निंग करें, तो वो कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मेरा ऑलमोस्ट मुझे 3-3.5 साल होने वाले हैं साइप्रस में, और अभी तक मैं वैसे पाकिस्तान नहीं गया। और दूसरा ये कि अर्निंग कर रहे हैं, मेरे टाइम में कोरोना भी आया, बहुत सी स्ट्रगल्स देखी यहाँ पे, बहुत सा टफ टाइम देखा यहाँ पे मैंने साइप्रस में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अब हालात ठीक हुए हैं यहाँ के, बिल्कुल चीज़ें आफ्टर कोरोना बिल्कुल जो लाइफ है वो चेंज हो गई हुई है और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हुआ है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से चीज़ें ये शेयर करनी थी कि आप लोग सोच रहे होंगे बिलाल भाई मास्टर्स के स्टूडेंट हैं और मतलब 3-4 साल हो गए हैं उन्हें यहाँ पे और अभी तक उनकी मास्टर की डिग्री नहीं ख़त्म हुई, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि मोस्टली जो पाकिस्तानी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं ना एशियन कंट्रीज़ के, उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि वहाँ जाके हमने अर्निंग करनी है, घर भी पैसे भेजने हैं, खुद भी सेविंग करनी है आगे कहीं मूव करने के लिए। उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मेरी तरह और कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, कुछ मेरी तरह होते हैं कुछ ब्रिलियंट होते हैं। जो ब्रिलियंट होते हैं वो डिग्री करके वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, और जो मेरी तरह के होते हैं वो यहीं पे बैठे रहते हैं और आगे निकलने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताना था कि जो डिग्री होती है ना बेसिकली मास्टर्स की, वो एक्चुअल होती है 2 ईयर्स की यूनिवर्सिटी की। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे रुकना चाह रहे हैं और मतलब इस तरह का आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि हम डिग्री भी यहाँ पे करें और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हम सेविंग भी करें और पाकिस्तान पैसे भी भेजें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होती है आप हर सेमेस्टर में 1 या 2 सब्जेक्ट चूज़ करें, आराम आराम से डिग्री करें अपनी। और इसकी मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता चाहूँगा, इसकी एक ये चीज़ होती है कि जब आप 2 सालों से ज़्यादा आपकी डिग्री होती है ना, तो यूनिवर्सिटी वाले आपको एक नया आपका प्रोसीजर वही स्टार्ट हो जाता है जिस तरह आप न्यू स्टूडेंट आए हो, और न्यू स्टूडेंट आके आपने फिर अपने स्टार्ट से रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है, लेकिन वो जस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोसीजर होता है आपका, उसमें उसमें ये होता है कि आपका स्टूडेंट नंबर जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, यानी कि आपको न्यू स्टूडेंट नंबर से एनरोलमेंट होना पड़ता है 2 साल के बाद। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, एडवाइस भी है मेरी। मैं वैसे एडवाइस किसी को गलत नहीं करता, बाकी हर किसी की अपनी होती है, मतलब मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो मेरे साथ हो रही हैं चीज़ें मैं आपको वही चीज़ें बताऊँ, रियलिटी बताऊँ और किसी तरह का झूठ ना बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे आके ये साइप्रस ऐसी चीज़ है यहाँ पे आके ना हर किसी का पता चलना होता है कि यार इधर ये चीज़ें भी हो रही हैं, इधर ये चीज़ें भी हो रही हैं, इधर ये चीज़ भी हो रही है, तो बेहतर यही है कि आप रियलिटी ही बताओ सबको। उसमें मैं आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो जल्दी से डिग्री कंप्लीट करके आगे ट्राई मूव कर जाओगे, पैसे नहीं हैं तो आराम आराम से डिग्री करो, जॉब करो, इतनी ज़्यादा बर्डन्स ना लो, मतलब सेविंग करो, और सेविंग करके फिर आप लोग यहाँ से आगे निकलने की कोशिश ज़रूर करो। साइप्रस में इस टाइम हालात बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए हुए हैं, जॉब्स अक्सर स्टूडेंट कहते हैं भाई हमें जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो यार जॉब ना मिलने की सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जब आप लोग घर बैठे रहेंगे तो घर बैठ के तो नहीं आपको किसी ने जॉब दे देनी। मुझे भी अक्सर मैसेजेस आते हैं बिलाल भाई आई नीड जॉब, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, और अक्सर ऐसे भी होता है कि मैं उन लड़कों से जब मतलब चलते फिरते मिल लेता हूँ तो वो मुझे अपनी रूटीन बता रहे होते हैं कि बिलाल भाई हम रात को 3-4 बजे सोते हैं और सुबह हम 4-5 बजे उठते हैं। ये उन लोगों की, ये उन स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ जो मुझे मैसेज करते हैं बिलाल भाई हमें जॉब चाहिए। ऐसे बंदे को बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलती। जॉब के लिए आपने टाइमिंग होती है यहाँ पे हर चीज़ की, सुबह 11 से 3 तक आप जाके विज़िट करें मार्केट्स वगैरह, होटल वगैरह, फिर आपको इस ड्यूरेशन में आपको जॉब मिल सकती है। 3-4 बजे के बाद आपका किसी होटल में जाना, किसी भी जगह पर जाके जॉब देखना वो बिल्कुल ही एक फजूल अमल है, क्योंकि उसमें यही है कि हर रेस्टोरेंट उस टाइम फुल बिजी हो गया होता है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, जो सुनेगा भी वो कहेगा सिर्फ नंबर दो अपना और खली बली कर देगा आपको। तो जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने सोचा कि मैं अपनी जो स्टोरी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि ये एक
इन्फॉर्मेशन ही है ये भी एक तरह की, कि मतलब 2 साल के बाद अगर आपकी डिग्री जो मास्टर की डिग्री है वो 2 साल में ख़त्म नहीं हुई तो 3रे साल के लिए वो आपको डिफर करेंगे विद न्यू स्टूडेंट न्यू एनरोलमेंट नंबर के साथ, जिसमें आपका फिर वही रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस होगा, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे इंटरनेशनल ऑफिस में जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल ऑफिस जाने के बाद आपका फिर नया स्टूडेंट नंबर आपको इशू होगा, जो आपका ओल्ड स्टूडेंट नंबर है 2 ईयर्स का वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए बिलाल भाई को ढेर से दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।